हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा बी किचन। स्नेहा बी किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाई हूँ चिया सीड्स पुडिंग, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही वायरल हो रही है। तो चलो मैं भी इसे ट्राई कर ही ली हूँ। तो सबसे पहले मैं ली हूँ एक बाउल, उसमें डाली हूँ 150 ml दूध, जो कि टोंड मिल्क है ये, और उसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच चिया सीड्स। चिया सीड्स ये 1 चम्मच और ये 1/2 टेबल स्पून, दोनों में मिला करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर और ये 1 टेबल स्पून शहद। शहद नहीं डालना चाहते हैं तो इसके जगह पे आप इसमें जैगरी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा केसर के धागे, जिसको डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको डाल करके मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, और मिक्स करके मैं इसे ढक कर रख दूँगी ओवरनाइट सोक होने के लिए। अगर ये आप ओवरनाइट नहीं सोक करना चाहते हैं, इंस्टेंट खाना चाहते हैं, तो चिया सीड्स बहुत जल्दी ही फूल जाता है। जैसे आप पहले ही फुला के रख लिए और उसके बाद इंस्टेंट आप मिल्क में मिक्स करके बना के रख सक खा सकते हैं। तो देखिए, ये तो मैं सूखा ली थी, इसलिए मैं इसे ओवरनाइट सोक होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। और अगर ओवरनाइट नहीं देना चाहते हैं तो आप 4 से 5 घंटा भी इसे रखोगे तो ये सोक हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है। मैंने इसमें केसर के जो धागे डाले थे उससे बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो आप देख सकते हैं चिया सीड्स भी बहुत अच्छे से मेरी सोख हो गई है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। तो सर्व करने के लिए मैं ली हूँ ये प्यारा सा, मेरे पास एक मग था, उसमें मैं डाल रही हूँ चॉप किया हुआ मैंगो, जो कि मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून डाली हूँ। और उसके बाद मैं इसमें अपना पुडिंग डाल दूँगी, ये है चिया सीड्स पुडिंग, जो इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा से इसे डेकोरेट करेंगे और उसके बाद इसे खाऊंगी मैं। तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा करके सब ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर से भी थोड़ा सा मैंगो के चंक्स डाल रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, हल्का सा मीठा मीठा और बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं, अपने डाइट प्लान में इसे आप ये रेसिपी यूज कर सकते हैं। मैं 4 से 5 में आलमंड्स को भी सूख करके रखी थी, उसे भी बारीक चॉप करके डाल दी हूँ। और ये एक है, मैं इसमें जामुन जो होता है, जामुन को भी मैं एक बारीक काट कर इसमें ऐड कर दी थी। और उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ ऊपर से और भी केसर के धागे। और इसके बाद ये देखिए हमारा चिया सीड पुडिंग एकदम रेडी है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। ब्रेकफास्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं, जो कि आप अपने वेट लॉस में यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसकी कैलोरीज वगैरह जो भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके नोट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। बाय।